ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ा के अधिकारी, इसमें क्या समस्या है? मतलब ये देखिए, तो देखिए समझ, ये तो समझ वाली बात है, और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज, यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। महत्व भी है आपको तो मैं क्या करूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। नारी का मतलब समुद्र है और... मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये एकदम से ये कैसे ही मुद्दा? देखिए देखिए, आज से नहीं उठ रहा जी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन जो अभी देखिए, जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ओबीसी को हिंदू बना करके अपने पक्ष में कर लिया, वो चाहते हैं कि ओबीसी हमारे तरफ आ जाए, ओबीसी वोट देने की राजनीति। देखिए, ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। अरे मेरा अपना व्यक्तिगत